तो कुंडली में बैठा सूर्य सिर्फ रोगी नहीं बनाता आपको, बल्कि आपको स्वस्थ भी बना सकता है। इसके लिए आपको कौन से आसान और अचूक उपाय करने हैं, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वो उपाय बताएं हमारे कालचक्र के दर्शकों को जिससे भगवान सूर्य उन्हें स्वस्थ बनाए। सूर्य को मजबूत करके सेहत सुधारने के लिए आप कुछ उपाय जरूर करिएगा। जैसे घर की पूर्व दिशा के वास्तु दोष को खत्म करिएगा। घर की पूर्व दिशा का वास्तु दोष ये है कि अगर घर की पूर्व दिशा ऊंची है, घर की पूर्व दिशा अगर ऊंची है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उत्तर और पूर्व दिशा हर समय नीची होनी चाहिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा हर समय ऊंची होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, श्री हरि विष्णु या प्रभु श्री राम या प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए और नित्य स्नान करके सूर्योदय के समय सूर्य को 3 बार में जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण राय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए, और रविवार का व्रत रखना चाहिए। रविवार को बिल्कुल सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत, सूर्य स्त्रोत, सूर्य अस्तवन, सूर्याष्टक, सूर्य कवच, सूर्य मंत्र का जप और गायत्री मंत्र का जप या सूर्य के 108 नामों का पाठ जरूर करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय बिस्तर छोड़कर उठ जाएं और स्नान करने की आदत डालें। तांबे के गिलास में पानी पिएं। हर रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। रविवार को किसी मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार तांबे का एक दिया दान करें। समय समय पर घर में हरिवंश पुराण की कथा कराएं। हर रोज स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। यहाँ हरिवंश पुराण का तात्पर्य उन लोगों से है जिनके पंचम भाव में सूर्य किसी पापक ग्रह के साथ है और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए हरिवंश पुराण रामबाण है। यदि आप हरिवंश पुराण को एक बार स्वतः से पूरा पढ़ जाइए और पढ़ करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके एक सोने की अंगूठी के साथ किसी वैदिक ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कर दीजिए तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर आपके वंश का विस्तार हो जाएगा, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। हर रोज योग और प्राणायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। सूर्य का यह वैदिक मंत्र अगर आप 31 दिनों में 31,000 कर लें तो निश्चित रूप से आपके चेहरे की कांति अलग दिखेगी। जय मां विंध्यवासिनी।